हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या, किस माइंडसेट के साथ इन्होंने आपको याद करा, इस चीज को व्यूअर्स में आज इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। हम देख रहे हैं इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू, बॉटम इज हारमोनी के, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में करी। पॉसिबिलिटीज, पेशेंस, टर्निंग इन, लेट गो, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। अंडरस्टैंडिंग, स्लोइंग डाउन, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हुई है। एडवेंचर, कंडीशनिंग, बॉटम इज द रेबल। तो व्यूअर्स देखिएगा, राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, आपका एरीस, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि हो गया, ये लिब्रा और ये आपका कैप्रिकॉन है। तो अभी तक मुझे ये राशियाँ दिखाई दी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 11, 10, 2, 1, 7, 8, 4 ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखे हैं, एंड 6 एंड 15 भी है। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो आपका हो गया नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, जून, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपसे अपने पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, आपके पार्टनर को कुछ तो बातें हैं जो इन्हें रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं, इनके पैरों में जंजीरें बांध रही हैं, और उसी रीजन के चलते यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी बात रखी जिसके चलते ये खुद भी अपने आप से भी बेड़ियों में बंध गए और आपको भी इन्होंने बेड़ियों में उस कंडीशंस को रखने के चलते बांध दिया। ठीक है, अगर वो कंडीशन आप मान लेते, उस बात को आप अपनी जिंदगी में अमल कर लेते, तो शायद यहाँ पर ना वो जंजीरें इनके पैरों में बंधी होती और ना आपके पैरों में बंधी होती। तो यही सभी चीजों को सोचकर आपके पार्टनर ने अपने दिन की शुरुआत करी है, यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ एक एडवेंचर कर डाला, एक जुआ खेल डाला, और उस जुए में इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी बात रखी, एक ऐसी कंडीशन रखी जो ऑब्वियसली आपका मानना डिफिकल्ट था, या फिर उसके मानने के बाद आप कहीं ना कहीं इस तरह से जंजीरों में ही बंध कर रह जाते। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुंह से डायरेक्टली बोला भाई तेरे लिए ये कंडीशन है, ऐसा नहीं है। एज एन यहाँ पर जैसे कि भाई तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी, या हम बिना शादी के रहेंगे, या फिर हम इस तरह से एक छत के नीचे तो रहेंगे लेकिन किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, तो इस तरह से चीजों को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करके इस इंसान ने अपनी जिंदगी में वो एडवेंचर लिया जिस एडवेंचर की या जिस जुए की बेड़ियां आपके पार्टनर को अपने पैरों में भी बंधी नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी
चीज की वजह से ये पर्सन उससे तो आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और आप नहीं बढ़ रहे हो, तो वो बेड़ियां इन्हें और ज्यादा यहाँ पर जकड़ती जा रही हैं। तो वो फीलिंग, वो एनर्जी या वो स्टेट ऑफ माइंड लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। हालांकि अव्वल तो यहाँ पर ये पर्सन यही चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आए, ये पैरों की बेड़ियां इनके पैरों से यहाँ पर निकलें। और ये भी पता है कि ये बेड़ियां कैसे इनके पैरों से खुलेंगी, जब आप दोनों का संगम होगा, आप दोनों फिर से यहाँ पर रीयूनाइट होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिर्फ मात्र उस कंडीशन को ना मानना आपका इनके लिए हुए रिस्क को कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद कर देना, आपके पार्टनर को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने ही जाल में, अपने ही शिकंजे में यहाँ पर फंसता हुआ फील करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि अपनी तरफ से इन्होंने बहुत ज्यादा वेट कर रखा है, सब्र का घूट पी रखा है, जिस तरह की इन्होंने पॉसिबिलिटीज बनाई थी कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, आप आ जाओगे, उन सभी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर इनके थ्रू खकोल खकोल कर देखा जा रहा है। वो सभी पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में, आउटकम में इन्हें यही दे रही है कि वेट कर लो। सब्र वो चीज है जो अच्छो अच्छो को तोड़ देती है, अच्छो अच्छो को कॉम्प्रोमाइज करवा देती है, अच्छो अच्छो को कंडीशंस मानने के लिए मजबूर कर देती है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर की वो स्थिति तो बन गई है खुद से, जैसे कि इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा हो या कुल्हाड़ी इनके खुद के पैरों पर आकर यहाँ पर गिर गई हो, और दोनों ही तरह से ये पर्सन अपने आप को जख्मी पा रहे हैं, ठीक है, खुद से अपने आप को जेल में कैद होता हुआ देख रहे हैं। ये सभी चीजों को लेकर ना इस इंसान को चीजें बड़ी देर से समझ में आई, क्योंकि अभी तक तो ये पर्सन वेट कर रहे थे, सब्र कर रहे थे। और ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि ये चीजें अभी हो रही हैं, ये चीजें पहले भी हुई हैं, लेकिन जब पहले हुई तब कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को लेट गो करने की जगह इनकी उस कंडीशन को, इनकी उस बात को माना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं, आपको बार बार डाइवोर्स की धमकी दी जा रही हो, तब आप उस डाइवोर्स के नाम से डर जाते थे, घबरा जाते थे और कहीं ना कहीं इनकी बात मान लेते थे, लेकिन इस बार आपने नहीं माना, इस बार आपने लेट गो करना उचित समझा, या इस बार आपने इस इंसान को सुधारने की जैसे मान लो ठान ली हो कि ये बार बार ये ब्लैकमेल करना ये नहीं चलेगा। तो ओवरऑल आपके पार्टनर वो ब्लैकमेल करने की जो इनको आदत पड़ गई थी या जो उसका इन्होंने स्वाद चख लिया था ना, अब आपने कहीं ना कहीं उस स्वाद को काफी ज्यादा पॉइजन में कन्वर्ट कर दिया है। वो इनकी फीलिंग है या वो इनके हालात बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी आप शांत होकर बैठे हो, उसमें भी आप सेल्फ लव कर रहे हो, उसमें भी आप इन्हें लेट गो कर दोगे उस तरह से इनके मन में आप डर खौफ को पैदा कर रहे हो। तो ये सभी चीजें आपके पार्टनर को ये तो एहसास दिला रही है कि भाई इन्होंने अपनी जिंदगी से वो जुआ खेल लिया जिसमें ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए, या पूरी तरह से सभी चीजें जो मिल भी रही थी वो भी खत्म हो गई हैं। तो वो सभी चीजों को लेकर थोड़ा सा मन इनका बेचैन सा यहाँ पर हुआ पड़ा है, वो मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की सुबह से लेकर अब तक बनती हुई दिखी है। मैं आपको टैरो से और चीजें क्लियर करके व्यूअर्स बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी हुई है। स्प्रिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट है। देखो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में उलझ कर रह गए, अपनी ही कही हुई, अपनी रखी हुई कंडीशन की वजह से ये पर्सन खुद स्टक होकर रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर ना व्यूअर्स देखो आपको लेकर इनके दिल में या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर एक पॉसेसिवनेस या एक इनसिक्योरिटी तो काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, ये क्योंकि समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में जो मिल रहा था वो ही इनके लिए काफी था, लेकिन इन्होंने और की चाह में कहीं ना कहीं जो मिल रहा था उसे भी पीछे छोड़ दिया, या उसे भी इन्होंने ताला लगाकर अपने आप को दिवालिया इन्होंने खुद ही घोषित करवा लिया। वो फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर बन रही है,
ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जितना अपनी तरफ खींच रहा है, जितना अपनी सच्चाई इन्हें दिखा रहा है, प्रूफ करके दिखा रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा इनकी पॉसेसिवनेस और इनसिक्योरिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है। लेकिन अपनी कही हुई बातों के जाल में इस लेवल पर ये फंस गए हैं जिसके चलते ये अपने आप को वेटिंग मोड पर ही देख रहे हैं या वेटिंग मोड पर ही रख रहे हैं कि आप आ जाओ। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपके कॉल का भी इन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार हो, लेकिन आपके कॉल का जो इंतजार है वो उस वे में है कि जो ये आपसे बात मनवाना चाह रहे हैं मंजूरी दे दो। ठीक है, सो वो सभी चीजों को लेकर इनके दिल में काफी ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स तहलका मचा पड़ा है, तो वो मुझे फीलिंग यहाँ पर इनकी दिखी। पेशेंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स बनी हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पेशेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बनी हुई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पे ना आपके पार्टनर से अब इंतजार नहीं हो रहा, या ये कह सकते हो कि जब इस इंसान को किसी तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, सब कुछ बिखरता हुआ, सब कुछ बर्बाद होता हुआ जैसे जैसे इन्हें फील होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी खुद से इनकी तरफ बढ़ने की या आपकी इनकी कंडीशंस, इनकी बातें मानने की जो उम्मीदें हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो उतनी ही इन्हें खत्म होती हुई या फिर कम होती हुई फील हो रही हैं, जिस वजह से व्यूअर्स आपके पार्टनर से इंतजार भी नहीं हो पा रहा। वो इंतजार जो ये पर्सन कितने वक्त से आपको भी करवा रहे थे और खुद भी कर रहे थे, तो वो इनकी स्थिति इनकी सुबह में हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े कनेक्शन को लेकर। द स्टार एंड द फूल, यहाँ पे आपका एक्वेरियस मुझे काफी स्ट्रांगली दिखा और हो सकता है आप दोनों सेम ही एनर्जीज के हों या आपकी एनर्जीज होने के ज्यादा मुझे चांसेस बनते हुए दिखे। इनको यहाँ पर ये चीजें ज्यादा घबराहट फील करा रही हैं कि आपने अब बजाय इस इंसान से, इस रिश्ते से किसी तरह की होप रखने के, फीलिंग्स रखने के, आपने उन फीलिंग्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं बहा दिया या उन्हें छोड़ दिया, लेट गो कर दिया है, और उसकी जगह आपने यहाँ पर अपने ही लेवल पर अपने हिसाब से कोई रिस्क लिया है, कोई नई शुरुआत के लिए आपने कदम उठा लिया है। यानी कि आपको समझने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है, जो रिस्क ये चाहते थे कि आप इनकी तरफ बढ़कर लो, आपने वो रिस्क बजाय इनकी तरफ बढ़कर लेने के आपने कहीं और बढ़कर लिया है। वो सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स मन से, दिल से शांत बैठने नहीं दे रही हैं। वो स्थिति इनकी बन रही है, वो सभी चीजें सुबह से लेकर अब तक इस इंसान के ऊपर हावी हुई पड़ी हैं, या वो सभी चीजों की वजह से आपके पार्टनर आराम से, सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ये इनकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है। स्लोइंग डाउन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी है। एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट है। ठीक है, देखो अब आपके पार्टनर की जो शर्त है वो कहीं ना कहीं अगर आपको मार चुकी है, आपको खत्म करा है उस शर्त ने, तो आपके पार्टनर के भी हाथ पैर मुंह सबको ये पूरी तरह से बंद कर चुकी है। इन्हें भी यहाँ पर एक जेल जैसा माहौल क्रिएट करके दे चुकी है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर अपने इमोशंस को, इनको लेकर फीलिंग्स को वहीं पर छोड़कर चले जाना इस इंसान के लिए कुछ इस तरह से काम कर गया, जैसे आग में घी डालना या इनके जले पर नमक डालना, ये सभी चीजें आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा चल रही हैं। यानी कि देखो एक इनके साथ हुआ कि इनके हालातों ने, इनकी कंडीशन ने तो इन्हें मारा ही मारा, लेकिन आपने उस मारे हुए पर भी नमक छिड़क दिया है, नींबू छिड़क दिया है, ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर को यहाँ पर इनके आज में इन्हें फील हो रही है।
कंडीशनिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है स्प्रिट गाइड। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी नाइन ऑफ सोर्ट्स है। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है एंड आपका फायर एलिमेंट एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि है। देखो व्यूअर्स वैसे राशियां सभी हो जाती हैं, मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आपको राशियां बताती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें ये लग रहा था जो शर्त इन्होंने आपके सामने रखी, जो बात इन्होंने आपके सामने रखी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बस जीत की फतेह लहराएंगे, जीत के झंडे गाड़ेंगे और अल्टीमेटली पूरी सिचुएशन जो अब भी इन्हें आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है वो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में होगी। लेकिन अब आपके पार्टनर को यहाँ पर बजाय अपनी जीत का जश्न मनाने का वक्त मिला है, बल्कि जो इन पर था वो भी इनसे छूट गया है, वो इनकी फीलिंग यहाँ पर बन रही है। यानी कि जितनी भी इनकी रिसर्च थी, जितना भी इनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस था, जितनी भी इनका शैतानी दिमाग था, वो सब यहाँ पर रखा का रखा रह गया, वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। बुरा जरूर से लग सकता है आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स को, या जरूरी नहीं है सब लोगों से कनेक्ट करे, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, जो चीजें हैं आपको बताई जा रही हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई मेरे से कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है हर किसी के केस में कोई कंडीशन ना रखी गई हो, लेकिन जिन लोगों के केस में उनकी रीडिंग डेफिनेटली यहाँ पर है व्यूअर्स, ठीक है, वो चीजें आपको देख कर ही समझ में आएंगी। अब आपके पार्टनर की खुद की बेड़ियां इनको कांटों के समान चुभ रही हैं, इन्हें दर्द दे रही हैं, सोने नहीं दे रही हैं, आने वाले कल को देखा नहीं रही हैं, वो फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर बनती हुई है, वो इनकी कंडीशन यहाँ पर बनती हुई ज्यादा दिख रही है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीजों के चलते ये आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। I have told my family how much I love and care about you. तो अब ये पर्सन अपनी खुंदस कहीं और निकाल रहे हैं, अपने परिवार वालों से ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी परवाह करी आपकी, कितनी केयर करते थे आपकी, कितना प्यार करते थे आपको, और आपसे बदले में क्या इन्हें सुनने को देखने को मिल रहा है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो अब कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने शायद आपको किसी के साथ देख लिया, या इस तरह की इनसिक्योरिटी अब इनके दिल में डेवलप होने लगी है कि अगर आप इनकी शर्त नहीं मान रहे हो, इनकी बात नहीं मान रहे हो, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने की जगह कहीं और रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो, और वही सभी चीजें इन्हें जेलसी फील करा रही हैं, ठीक है। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो कहना चाह रहे हैं इन्होंने तो आपको अपने एक सोलमेट के तौर पर देखा, और इन्हें बदले में आपसे क्या मिला। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, और इस चीज के चलते माफ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप अगर इनकी बात मान लेते तो भाई माफ कर देते, ठीक है, वो चीजें हैं। You are my last thought before sleep, कहने जा रहे हैं आपसे कि आप ही इनके आखिरी सोच होते हो सोने से पहले। And I get negative vibes from you, और कहना चाह रहे हैं अब इन्हें आपकी तरफ से अपने लिए स्पेशली बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स, बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑरा महसूस हो रहा है। चलिए लास्ट नॉट लीस्ट यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ, जैसे कि मैं हर बार देखती हूँ मॉर्निंग की रीडिंग में, तो वही चीजें देखी जा रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए अब गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए यूनिवर्स इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को अब व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए, कैसे और क्या करना चाहिए। स्प्रिट गाइड इन द फ्लो, स्टेइंग फोकस्ड एंड वैलियंट करेज। देखो आपसे बोला जा रहा है इन सभी चीजों की वजह से ना अपने फ्लो को मत रुकने देना, अपने आप को पूरी तरह से फोकस्ड बनाए रखना, जो ठान रखा है ना वो ठाने रखना। इन सभी चीजों की वजह से ऐसा ना हो कि आप के दिल में इनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगे एंड देन फिर से आप उस कुएं में जाकर कूद जाओ जिसमें ये कूदवाना चाह रहे हैं आपको। तो आपसे बोला जा रहा है ओवरऑल की जो चल रहा है सही चल रहा है, बस इस फ्लो को पकड़े रहो,
फ्लो के लिए पूरी तरह से फोकस्ड रहो, और इसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत बटोरनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आपको आपके पार्टनर की वजह से यहाँ पर बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होना है, उनकी वजह से आपको यहाँ पर अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। ये आपसे इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाए तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।